हेलो दोस्तों, मैं जोगिंदर और आप देखना चालू कर चुके हैं आपके अपना चैनल पंडित जी टेक्निकल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एनटीपीसी 2016 में 31 मार्च का सेकंड शिफ्ट का पेपर, जिसमें मैंने जनरल साइंस और जीके को कवर किया है तथा जो करंट अफेयर के पिछले क्वेश्चन थे उसके जगह पे नए क्वेश्चन लगा दिए गए हैं, क्योंकि उन प्रश्नों का कोई मतलब नहीं था। इस करके चलिए चालू करते हैं आज का क्वेश्चन। तथा इससे पहले जो भी चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भूगर्भ शास्त्र के नाम से, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन आप करोगे तो वो भूगर्भ शास्त्र में आता है। तथा पारिस्थितिकी जो है पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, और जीव विज्ञान में जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो देखते हैं नया प्रश्न। महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक युद्ध क्षेत्र किस शहर के निकट स्थित है? तो देखिए, ये स्थित है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंबाला शहर के निकट। और अंबाला शहर आता है कि एक एक हरियाणा का शहर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार है जो किसको दिया जाता है? दिया क्यों जाता है? ये दिया जाता है अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से, यानी कि गांधीवादी जो तरीके हैं उनको आगे बढ़ाने के कारण, इसमें आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में योगदान के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है। तथा इस सबसे पहले दिया गया था 1995 में। ठीक है, तो तथा उसके पहले विनर थे जूलियस न्यूरीरा, तथा लेटेस्ट विनर हैंगे 2018 में दिया गया है। लेटेस्ट में तो ये दिया गया है युहाई ससाकावा को। ठीक है, उनको ये दिया गया है। तथा ये दिया किसको जाता है? ये दिया जाता है व्यक्ति और संस्थाओं को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न, वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, यानी कि वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं एक बार में? तो ये खेलते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 खिलाड़ी होते हैं इसमें जो खेलते हैं। ठीक है, वॉलीबॉल ओलंपिक में कब शामिल हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये शामिल हुआ 1964 ईस्वी में, वॉलीबॉल ओलंपिक में शामिल हुआ था। निम्नलिखित में से क्या समानता है, यानी कि देखिए कार्बन, सिलिकॉन, बोरान और अर्सेनिक, ये इनमें क्या समानता है? देखिए, इनमें समानता है कि ये सभी गैर गैसें हैं। ठीक है, ये सब गैर गैसें हैं, यानी कि गैस इसमें से एक भी नहीं है। अगला प्रश्न है, एक्स बायोलॉजी किससे संबंधित है? ए यानी कि बाह्य अंतरिक्ष में जीवन, पशुओं का जीवन, पौधों का जीवन या पृथ्वी पर मानव जीवन? तो एक्स बायोलॉजी संबंधित है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है, यानी कि स्पेस टूरिज्म इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब होता है कि छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा, यानी कि जब आप अंतरिक्ष में छुट्टी मनाने के लिए जाओगे तो उसको अंतरिक्ष पर्यटन बोलेंगे। देख लेते हैं अगला प्रश्न, ए बी रक्त वाला एक व्यक्ति इन चारों ऑप्शनों में से क्या कर सकता है? तो देखिए, ए बी ओ रक्त वाले लोगों को रक्तदान कर सकता है? नहीं। सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है? नहीं, क्योंकि ये सबको नहीं देता है, किसी भी वक्त से रक्त ले सकता है। हाँ, ये ऑप्शन ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ना तो एक सार्वभौमिक प्राप्त करता है, ना ही एक सार्वभौमिक दाता है, ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए देशों में से फुटबॉल किसका राष्ट्रीय खेल नहीं है, यानी कि जितने ऑप्शन आपको दिख रहे हैं इनमें से किसका राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? घाना, हंगरी, मॉरिशस या अर्जेंटीना? तो इनमें से ऑप्शन डी का, यानी अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है। इसका राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है तो है क्या? तो इसका राष्ट्रीय खेल है हॉर्स राइडिंग, यानी कि घोड़ा रेस इसका राष्ट्रीय खेल है। आईएमएफ के अनुसार 2019-20 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? देखिए, यहाँ पे पिछला करंट अफेयर था, लेकिन इस और सेम वैसा ही मैंने अब की बार का करंट अफेयर लगा दिया, क्योंकि पिछले का कोई मतलब नहीं बन रहा था। इस करके
तो इसके अनुसार देखिए, आईएमएफ के अनुसार वर्ष 2019-20 के लिए भारत की जीडीपी रहेगी 6.1%। और आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री किस राजनीतिक पार्टी से है? आपको पता होगा कि 27 नवंबर को महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। लिए किसने? ये लिए उद्धव ठाकरे ने। जो किस पार्टी से हैं? वो हैं शिवसेना पार्टी से। तथा ये सरकार तीन पार्टियों के से मिलकर बनी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, शिवसेना तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तथा यहाँ के गवर्नर कौन है? ये गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी किस काम के लिए बनाया गया है? तो देखिए, ये बनाया गया है वैश्विक विकास के चुनौतियों के समाधानों पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए, यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1965 ईस्वी में तथा इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? यानी कि 2019 के जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो ये शहर है इंदौर, और इंदौर स्थित है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? लालजी दास टंडन। ये 2017 से 19 तक लगातार 3 वर्षों तक भारत का सबसे स्वच्छ शहर रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1 GB में कितने बाइट्स होते हैं? तो देखिए, 1 GB में बाइट्स होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1000 की पावर 3 बाइट्स। 1 GB में 1000 की पावर 3 बाइट्स होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश है? तो 4 ऑप्शन है मेरे पास, ब्राजील, भारत, कनाडा या रूस। तो इसको पहले जानने से पहले हम क्रम जान लें कि सबसे बड़ा देश कौन है उसके अनुसार। देखिए, सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार वर्ल्ड का रसिया, फिर है कनाडा, चाइना, यूएस, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ब्राजील, कनाडा और रूस ये पहले आ जाते हैं, बचा कौन? यानी कि भारत। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि, बताइए, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसमें इसका जल धारण क्षमता कम होता है, ये अत्यधिक दूषित होती है, जैविक घटक इसके साथ मिश्रित नहीं हो पाते, यह लाल रंग की होती है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि इसका जल धारण की क्षमता कम होती है, यानी कि पानी बहुत कम सोख पाता है, इस कारण इसमें खेती करना बहुत कठिन होता है। मानव शरीर में प्रोटेस्ट एक क्या है? देखिए, मानव शरीर में प्रोटेस्ट जो है एक ग्रंथि है। ठीक है, एक ग्रंथि के ऊपर भी एक मेरी वीडियो है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं इसके आई बटन में डाल दूंगा लिंक उसका, आप देख लीजिएगा। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। देखिए, जब भारत को स्वतंत्रता मिली यानी भारत आज़ाद हुआ तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या लोकसभा के अध्यक्ष का। तो किसको प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है, यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर? तो ये किया जाता है भारत के राष्ट्रपति को। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को किस वर्ष वीर चक्र दिया गया? तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये अब की बार यानी कि 2019 में ही विंग कमांडर अभिनंदन को वीर चक्र प्रदान किया गया था।
2018 के लिए बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो देखिए 2018 के लिए बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया मनीषा कुलश्रेष्ठ को, और बिहारी पुरस्कार एक राजस्थान का एक पुरस्कार है जो बस राजस्थान के व्यक्ति को ही दिया जाता है। भ्रूण को नुकसान पहुंचने वाला जीका वायरस किसके कारण बढ़ता है? तो देखिए ये बढ़ता है मच्छर के कारण, और मच्छर में कौन से मादा एनफिलीज जो मच्छर होता है उसके कारण बढ़ता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो ये पार्टी है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी भगत सिंह के द्वारा। एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? यानी कि अगर आपकी शाफ्ट एक घूम रही है उसकी गति को निर्धारित करने के लिए, यानी कि कुछ समय में कितना घूमे, तो उसका निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है टैकोमीटर का। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और जो भी इस चैनल पर नए हो कृपया करके उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा साल बांग्लादेश का एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? तो ये देखिए ये था जनवरी 1972, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जनवरी 1972 बांग्लादेश का स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र था। निम्नलिखित कथनों में से सही चुनिए। देखिए इसमें सही चुनना है, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन दो अलग अलग मुद्दे हैं? नहीं, ये तो एक ही मुद्दे हैं, यानी कि गलत है ये। ग्लोबल वार्मिंग से पूरे वर्ष दौरान ग्लेशियर में बनने वाली बर्फ कम हो जाएगी, हाँ ये सही है। अगला भी देख लेते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का जल स्तर कम हो सकता है? नहीं, ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ जाएगा क्योंकि बर्फ पिघलेगी तो समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण रेगिस्तान कम हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें रेगिस्तान बढ़ेंगे ना कि कम होंगे। विपिन चंद्र पाल सहित तीन लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी यानी कि लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे, ठीक है, इनमें से दो कौन है? यानी कि एक आपको बता दिया गया कि विपिन चंद्र पाल जी हैं, तो दो और कौन है? सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक? नहीं, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, हाँ ये सही है, यानी कि अब दोनों गलती ही होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो देखते हैं अगला प्रश्न है, ग्रैंड स्लैम का मतलब एक वर्ष कैलेंडर में कुछ प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट जीतना है, इस टूर्नामेंटों का नाम क्या है? तो देखिए इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन। देखिए इसमें मैं आपको बता दूं कि चार तरह के टूर्नामेंट होते हैं, तो इसमें पहले में तीन ही हैं, इसका कि ये गलत है। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विमल्डन, ये सही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विमल्डन। देखिए इसमें भी तीन है क्योंकि ये भी गलत होगा। फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विमल्डन और ओलंपिक, ये तीन तो टूर्नामेंट है लेकिन ओलंपिक ये ग्रैंड स्लैम का टूर्नामेंट नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। देखिए ग्रैंड स्लैम के कंसेप्ट के लिए एक मैंने वीडियो बनाई है जो कल आएगी, वो भी आप जरूर देखिएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई थी? तो देखिए ये यान था कोलंबिया, ठीक है, और ये गई किसके लिए गई थी? ये गई थी नासा के लिए, ये नासा की तरफ से गई थी, और इनका जन्म हुआ था 1962 ईस्वी में हरियाणा के करनाल शहर में, ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी 1 फरवरी 2003 को, इनकी मृत्यु हो गई थी जो ये इस कोलंबिया यान से नीचे आ रही थी, तब इनके यान में आग लग गया और इनकी मृत्यु हो गई। तो देखते हैं अगला प्रश्न, गैलन सामान्यतः डैश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि गैलन जब शब्द का प्रयोग किया जाता है तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? गति के लिए, कंटेनर के लिए, आयतन के लिए, या कंटेनर को बैरल संबंध में बताने के लिए? तो देखिए ये उपयोग किया जाता है आयतन के लिए, ठीक है, जब गैलन का नाम आ गया तो समझ लेना कि आयतन की बात हो रही है, और एक गैलन में 3.78 लीटर होता है, ठीक है,
तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर में ऐसा क्या होता है जो बहुत सक्रिय होता है। यह है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और इसका रासायनिक सूत्र है CaClO2। इसका रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ अपना पहला गुलाबी बॉल के साथ टेस्ट मैच खेला है। तो देखिए, ये खेला है बांग्लादेश के साथ और ये खेला गया था कलकत्ता के ईडन गार्डन स्टेडियम में। तथा ये पहला भारत का डे नाइट मैच था जिसमें भारत विजय हुआ था। तो अगला प्रश्न है, हीराकुंड जलाशय का किस नदी पर निर्माण किया गया, यानी कि हीराकुंड जो जलाशय है उसको किस नदी पर बनाया गया है। तो देखिए, ये नदी है महानदी। जब कोई व्यक्ति केवल नजदीक होने वाली वस्तु को देख पाए तो उसे क्या कहा जाएगा। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति बस नजदीक की वस्तु को देखता है ना, तो उसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। इसका एक ट्रिक भी है याद करने का, अगर जहाँ जिस जगह की वस्तु आपको ज़्यादा दिखती है, यानी कि नज़दीक का दिखता है तो नज़दीक दृष्टि दोष, और दूर का दिखता है तो दूर दृष्टि दोष। ठीक है, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं इसको बहुत आसानी से। ठीक है, डैश द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है, यानी कि ऐसा क्या है जिसके द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है, यानी कि एसी यानी कि अल्टरनेट करंट और डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट। इसको एसी को डीसी में बदला जाता है रिएक्टिव फायर के द्वारा, और रिएक्टिव फायर में यूज किया जाता है, आप काफ़ी टाइप की यूज कर सकते हैं। आप ब्रिज रेक्टिफायर बना सकते हैं, वन वे रेक्टिफायर, टू वे रेक्टिफायर और अधिक टाइम के रेक्टिफायर आते हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इनमें से भिन्न ज्ञात करो। तो देखिए, पहला NaCl, Na2CO3 और H2O, ये तीनों एक यौगिक हैं, और जो HE यौगिक नहीं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, और राइट आंसर है हीलियम, और ये एक यौगिक नहीं है, इस कारण इन तीनों से अलग है। तो अगला प्रश्न है, दास वंश का स्थापना किसके द्वारा हुआ था, यानी कि किसने दास वंश की स्थापना की थी। तो इस दास वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, जो ये रजिया सुल्तान है, ये पहली महिला शासक थी, यानी कि यह एक प्रश्न भी आता है कि पहली महिला शासक कौन थी, तो ये थी रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, भारत संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है, यानी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता कौन प्राप्त कर सकता है। तो देखिए, ये वैधानिक सत्ता प्राप्त कर सकता है संसद, यानी कि संसद में ही हमारे प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, तो उनको ही वैधानिक सत्ता का अधिकारी माना जाता है। इसीलिए केंद्र सरकार ने किन दो केंद्र शासित प्रदेशों का विलय करने का फैसला लिया है, तो ये फैसला लिया दादर व नगर हवेली और दमन दीव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, और ये हाल ही में बना है जम्मू और कश्मीर, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इस पर एक मेरी वीडियो भी है, एक पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपर जब भी अलग हुआ था तब की, उसको भी आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं इसके आई बटन में डाल दूंगा, इससे आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। देखते हैं अगला प्रश्न, गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ के किस जिले में है। ये चारों छत्तीसगढ़ के जिले हैं, उनमें से गुरु घासीदास नेशनल पार्क किस जिले में है। तो देखिए, ये जिला है कोरिया। आप जिन दोस्तों को भी ये वीडियो अच्छी लगी हो, कृपया लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।